हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, टाइम तो हो रहा है अभी शाम के 5, देख लो, पर आपके लिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये ब्लॉग सुबह आएगा। इसलिए बेरे पे जा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे थोड़ा गायों को चारा डालना है और थोड़ा बहुत कुछ काम है, तो इसलिए चल रहा चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने बेरे पे, तो यहीं पे हूँ, तो अब हमें चारा डालना ही होगा। तो देख लो फ्रेंड्स, ये वाला लेना है, तो इसमें से लगभग 2 से 3 तिकोरी, कितने तिकोरी लेना है? 2 तिकोरी लेने हैं, तो 2 छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली तिकोरी है, ये देख लो, इतने बड़ी वाली। तो फ्रेंड्स देख लो, इस टाइप का काम करना पड़ता है हमें, हमारे लिए किसान को, हम लोगों को बेचारों को, तो इस तरह हम खेती बाड़ी करते हैं। तो प्लीज़ किसान को कुछ कम ना समझे अपने से, क्योंकि ज़्यादातर वही काम करते हैं जितना हम नहीं करते। सो बी पॉजिटिव फॉर द किसान एंड जवान। तो देख लो, थोड़ा गाइस यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये तो बहुत सारा है, जगह भी डाले, तो यहाँ पे तो मम्मी ने डाला था, वहाँ पे मैंने डाला था, तो पूनम की रात है इसलिए यह काम किया है, मतलब गौ माता के लिए दान किया है। तो गाइस, खतरनाक वाली हवा चल रही है, तो आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और देख लो मौसम कैसा खतरनाक हो चुका है, खतरनाक वाला है यार, बहुत खतरनाक, पहले से और खतरनाक। यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा इस तरफ, इस तरीके से लग रहा है, तो हमारे ऊपर भी आ चुका है, मंडरा चुका है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो गाइस, मैं बेरे पे आया, तो यहाँ पे और भी खतरनाक वाली आंधी चल रही है, तो देख लो वहाँ पर पीछे देख लो, खतरनाक वाली चल रही है यार। तो देख लो गाइस, कितनी खतरनाक वाली आंधी चल रही है, ये देख लो, वहाँ पे दूर कुछ भी नहीं दिख रहा, ये देख लो, मेरा ननिया यहाँ से दिखता था, वो भी नहीं दिख रहा, देख लो कैसे कॉमेडी करते हैं। दिलीप रिपोर्टिंग इन द आंधी इज, आई एम गोइंग टू द हवाई इन दिस, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, आपको समझ में आए तो बता देना कमेंट में। देख लो, इसे भी गुस्सा आ रहा है, देख लो खतरनाक वाला, आपको दिखाता हूँ, चुप चुप के दिखाता हूँ। देख रहा खतरनाक वाले, क्या इरादा है भाई, इससे स्टार्ट होगा, ओ तेरी, ओ भाई साहब, भाई कहीं मेरे को मारना दे, चलो चलते हैं यहाँ से। तो भाई देख लो, ये सांप रहा है यहाँ पे, तो इसे बोगी भी कहते हैं, इसके 2 मुंह होते हैं, एक इस साइड एक अंदर की साइड है, तो आने की वजह से ये भी अंदर जा रही है, खतरनाक वाली, ओ सॉरी बाहर आई, देख लो इसका मुंह, एक साइड ही जाए, देख लो गाइस, देख लो सांप दिख रहा है यहाँ पे, खतरनाक वाली आंधी में सांप, बहुत बड़ा चमत्कार। तो गाइस, गोबर उचाना पड़ रहा है, तो सूखा गोबर ही है, तो आप देख ही सकते हो, मेरा हाथ में पहुंच रहा ऊपर, बाकी तो दिखाई देता। तो एक मम्मी के पास भी है, देख लो सूखा गोबर ही है, मतलब खाते ना, इसलिए देख लो यार, मेरे बालों के साथ इसे भी ठीक कर देते अभी। ये तो हो गए रेडी, ठीक है, लेके चलते हैं, एक और है, एक और डालना होगा। गाइस, कुछ इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड किए, तो आप जाके देख लेना, ठीक है, और
बहुत मजा आ रहा है। अभी मजे कीजिए इन कोरोना लॉकडाउन। मेरा कोई लॉकडाउन नहीं है क्योंकि मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ, इसीलिए लॉकडाउन सिटी में होता है, मेरे पे नहीं, समझे। पर हाँ, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, पर हम तो यहीं पे अकेले है ना, तो इसीलिए मास्क की जरूरत नहीं है। जब आप अकेले हो तो आपको मास्क की जरूरत नहीं होती, समझ गए। तो गाइस, मैं डायरेक्ट दियाबती करने के लिए आ गया, तो मतलब छाटे होने लगे ना, तो टाइम भी हो गया दियाबती का, तो मैंने बोला कि जल्दी जल्दी कर दूँ दियाबती। और मम्मी डायरेक्ट वहीं से ननिहाल निकल गई, मतलब पास में है ना, इसलिए तो मैं डायरेक्ट यहीं पे आ गया। तो दियाबती करते हैं और फिर चलते हैं, मैं भी ननिहाल चले जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। तो उससे पहले कुत्तों को प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद देने के बाद डायरेक्ट ननिहाल। तो गाइस, मैं डायरेक्ट ननिहाल ही आ गए वहाँ से दियाबती करके। तो यहाँ पे भी वही हाल होगा यार, पास में तो है। तो यहाँ पे भी लाइट जा चुकी है पूरी की पूरी, आंधी की वजह से ऑब्वियसली लाइट जाएगी, आपको भी पता है। तो खतरनाक वाली ये देखो, पेड़ भी खतरनाक वाले हिल रहे हैं, ये भी, और ये भी नीम का है, खतरनाक। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अभी घर पे आया हूँ, तो थोड़ा बहुत भीग भी चुका हूँ, तो कोई बात नहीं। तो पापा एक चीज बताओ, वहाँ पे हमने आज दो सांप देखे। हाँ, मेरे पे एक तो बोगी है और एक व्हाइट कलर का लगभग 1.5 फुट बड़ा सांप। हाँ, 1.5 फुट क्या, 1.5 मीटर, क्रीम कलर में ना, इतना बड़ा। अरे इतना बड़ा देखो, यू नॉर्मल जाए तो आप हो सांप था। अरे वो तो सिंपल ही दो जा रहा था मम्मी के पास से, ऐसे ही इतना ही दूर मम्मी से, लगभग 2 से 3 मीटर दूर तो मतलब डीराम ड्यूरो समझे, डीरा मतलब काटो में। फाइनली गाइज, मैंने खाना वाना खा लिया, तो सोने का टाइम है। तो उससे पहले एक चीज बता देता हूँ कि मैंने जो ड्राइंग बनाई थी वो आपको दिखाई देता हूँ। ये रही एक गर्ल की है जो यूट्यूब पे लगभग 11 लाख सब्सक्राइबर के साथ है, जो सुनीता स्वामी है, जो हमारे राजस्थान की है। तो उसकी ड्राइंग बनाई है मैंने, अभी आजकल की ये बहुत पॉपुलर है, तो इसकी ड्राइंग बनाई मैंने। तो कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।